भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी उत्सव पारंपरिक तौर पे धूमधाम से मनाया जाता रहा है और पूरे विश्व में, भारतवर्ष में नहीं पूरे अन्य देशों में भी मथुरा के जन्मोत्सव की, कृष्ण जन्मोत्सव की चर्चा और उत्सुकता हमेशा रही है। इस बार जो मंदिर कमेटियों के सम्मानित पदाधिकारीगण थे, उन्होंने जिला प्रशासन के साथ में समन्वय स्थापित किया है और कोरोना 19 को देखते हुए ये तय हुआ कि इस वर्ष मंदिरों की सजावट पूर्व की भांति करेंगे, अंदर धूमधाम से भगवान का पूजन श्रृंगार आदि करेंगे, लेकिन आम दर्शकों के लिए मंदिर नहीं खोला जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थान से लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था रहेगी और जो जिला प्रशासन तय करेगा लाइव टेलीकास्ट के बारे में, उसका प्रोसीजर क्या हो, उसके अनुसार वहाँ से लाइव टेलीकास्ट होगा। जो अन्य स्थान हैं उनकी सजावट, जो अन्य मंदिर हैं उनकी सजावट जनता स्वयं अपने हाथ से लेने का निश्चय किया तमाम सामाजिक संस्थाओं ने, और कुछ जगह पर नगर निगम और विकास प्राधिकरण भी कुछ स्थलों को, चौराहों को सजाने का काम करेगा। सजावट रहेगी मंदिर के अंदर, पारंपरिक पूजन अर्चन का कार्यक्रम भी होगा, लेकिन बाहर आम दर्शकों के लिए मंदिर नहीं खुला होगा। वो लोग अपने अपने घरों पे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव कार्यक्रम देखेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था आज यहाँ पर जिला प्रशासन और मंदिर कमेटी के सम्मानित सदस्यों के साथ बैठक में तय हुआ है और मुझे खुशी है कि इसके पहले भी जो बैठक हुई थी तो तमाम जो मंदिर समितियां हैं उनके जो प्रबंधकगण हैं उन्होंने स्वेच्छा से, कुछ ने तो 30 अगस्त तक बंद कर रखा है और कुछ इनके पट अभी भी बंद हैं, उन्होंने कृष्ण जन्मोत्सव के इस प्रचलित वर्तमान स्वरूप को स्वीकारा है और कृष्ण जन्मोत्सव को आम आवाम के लिए ना खोल के उनको दर्शन भाव लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से हो और बाकी का पूजा अर्चन भोग वो पहले की तरीके से ही होगा, लेकिन सूक्ष्म अति सूक्ष्म कि मंदिर कमेटी के 10-15 लोग, 20 लोग, 50 लोग जो भी तय करेंगे, जिला प्रशासन तय करेगा, अति सूक्ष्म लोगों के साथ में पूजन अर्चन होगा और लाइव टेलीकास्ट सब लोग अपने अपने घरों से देख सकेंगे। तो ये व्यवस्था आज यहाँ पर तय करनी थी तो उसके निमित्त मुझे यहाँ पर आना हुआ। अभी आगरा में मैं था, कोरोना के संबंध में आगरा में भी हमने समीक्षा बैठक ली थी, अभी मथुरा में भी कोरोना की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक ली है और कोरोना का संक्रमण पूरे प्रदेश में अपना विराट स्वरूप धारण किए हुए है। मथुरा में सुरक्षा के उपायों में यहाँ पर जो जो चीज़ों की आवश्यकता होगी प्रदेश सरकार इनको उपलब्ध कराएगी और मुझे खुशी है कि आगरा और मथुरा दोनों में स्थितियाँ नियंत्रण में हैं। देखिए, जिन्होंने ब्राह्मण समाज का तिरस्कार किया, तिलक तराजू और तलवार मारो जूते इनको चार करा, जिन्होंने भगवान परशुराम की मूर्तियों को तोड़ने का रिकॉर्ड कायम किया, यह आरोप समाजवादी पार्टी पर लगता आया है, और जिन्होंने जो केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया गया उसका विरोध किया, वो लोग आज सामान्य वर्ग को आरक्षण देने के केंद्र सरकार के निर्णय के बाद अपने आप में घबराई हुई स्थिति में अपने को समझ रहे हैं।
और जनता को दिग्भ्रमित करने का दुष्प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो बगुला भगत की स्थिति है जनता उसको जानती है, और ऐसे लोगों को कई बार जो जाति की राजनीति करते हैं उनको जनता नकार चुकी है, क्योंकि सपा और बसपा का जन्म ही जाति के आधार पर हुआ है। एक जाति को नीचे दिखाना, किसी को आगे करना, किसी का अतिवाद करना और किसी को प्रताड़ित करना, यही इन दोनों पार्टियों का काम रहा है, जिनमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में कांग्रेस का सहयोग इनको मिलता आया है। आपने तो संजय सिंह कहते हैं कि दलित की वजह से राष्ट्रपति जी को अयोध्या मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। उनको कामेश्वर चौपाल ने ईंट रखी, ये नहीं पता है शायद। उनको ये भी पता होना चाहिए था कि कामेश्वर चौपाल एक आम, जिसको कहना चाहिए था कि जो समाज के निचले एकदम सामान्य क्षेत्र से जो जुड़कर आया है व्यक्तित्व, उसको स्थान दिया गया है। और बीजेपी या विश्व हिंदू परिषद जाति के आधार पर कोई काम ही नहीं करती। मंत्री जी, सर भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा था, लेकिन अखिलेश से बयान दिया था हम प्रदेश में परशुराम की मूर्ति लगा। मैंने कहा ना कि जो मूर्ति तोड़क लोग हैं, अगर मूर्ति लगाने की बात कर रहे हैं तो उनको पता है कि कौन समाज किसके साथ में है, और बीजेपी सर्व समाज के लिए सबके लिए काम कर रही है। इसलिए ऐसे तत्व जो जाति के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं उनको मुक्की खानी पड़ेगी। आपके मथुरा के बगल में ही फिरोजाबाद है, चार चार बार एक एक स्थान पर मूर्ति तोड़ी गई थी परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की, और समाजवादी पार्टी के शासनकाल में तोड़ी गई थी। तो उदाहरण ज़्यादा दूर नहीं है। शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग हो रही है और उनकी पत्नी को नौकरी के लिए कह रहे हैं, तो उस पर सरकार ने कुछ सोचा है क्या? ऐसा प्रस्ताव आएगा तो सरकार के पास प्रस्ताव आएगा तब इस पर विचार होगा, अभी मैं इसके बारे में नहीं कह सकता कुछ। अयोध्या के बाद मथुरा की बारी को साधु संत हैं तो इसकी रणनीति बना रहे हैं, इस तरीके मांग कर रहे हैं जी। अयोध्या के बाद मथुरा काशी की बारी को मुझे इसकी जानकारी नहीं है। ठीक है।